नमस्कार, ओम शांति। पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं पूजा कक्कड़। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। ज्ञान सरोवर में खिलाड़ियों के लिए सम्मेलन का आयोजन। खेल में सफलता के लिए एकाग्रता बढ़ाने पर जोर। देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में जुटे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। श्रीगंगानगर में महिलाओं के लिए सम्मेलन। महिला सशक्तिकरण पर चर्चा। आध्यात्मिक शक्ति के जरिए आंतरिक शक्ति बढ़ाने का आह्वान। कोलकाता में बुध के 2559वें जन्मदिन पर विशाल कार्यक्रम। राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल। ब्रह्म कुमारी संस्थान का प्रतिनिधित्व। राजयोग से बढ़ेगी धार्मिक एकता। गुजरात के अलकापुरी सेवा केंद्र का 21वां वार्षिकोत्सव। भव्य कार्यक्रम का आयोजन। केशोर सेवा केंद्र ने भी मनाई 24वीं सालगिरह। कर्नाटक के कारवार में पुलिस के आला अधिकारियों के लिए कार्यक्रम। कार्य व्यवहार में सफलता के लिए राजयोग सीखने का आह्वान। उत्तर प्रदेश के बादशाहपुर मोगरा में गीतों से गीता ज्ञान विषय पर कार्यशाला। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। राजयोग से होगा परमात्मा का मिलन। और देश के कई हिस्सों में जारी है ग्रीष्म महोत्सव कार्यक्रम। शांति सरोवर हैदराबाद, भिलाई, कोटा, बेंगलोर, बिलासपुर, धनुकरवाड़ी, सिलवासा और हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी बच्चों के लिए आयोजन। अब खबरें विस्तार से। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के राजयोग शिक्षा एवं शोध प्रतिष्ठान के खेलकूद प्रभाग द्वारा राजयोग ओलंपिक एवं स्पोर्ट्स विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन भारत के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक प्रतिभागी संघ प्रतिनिधि नीरज मेहरा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी राजेश चौहान, SAINS पटियाला के सहायक निदेशक अमर ज्योति सिंह, खेलकूद प्रभाग के अध्यक्ष BK बासवराज, राष्ट्रीय समन्वयक BK शशि समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। सम्मेलन में आए खेलकूद क्षेत्र से जुड़े विद्वानों ने कहा कि खेलकूद जीवन का एक हिस्सा है। ऐसे में मनुष्य को कभी भी हार जीत को दिल से नहीं लेना चाहिए। खेल में सफलता के लिए एकाग्रता की जरूरत है और एकाग्रता के लिए राजयोग सीखने का प्रयास करें। You will see that in these 3-4 days how we can get inspired. How we can get inspired with these 2 philosophies. One is Rajyog and the other one is Olympism. I will conclude my this session with just one line. Let's celebrate true spirit of not only Olympism, Rajyog also. कि प्लेयर्स को फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ मेंटल ट्रेनिंग भी अनिवार्य है। फिजिकल ट्रेनिंग से बच्चा खेलों में तो बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन अगर मेंटल ट्रेनिंग नहीं है तो जब वो पार्टिसिपेशन के लिए जाता है तो अपने जो उसके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको देख के डर जाना या नए माहौल में जाके डर जाना या ये फीलिंग आ जाना कि शायद मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा। अगर मेंटल ट्रेनिंग रहती है तो वो इन सभी डरों पर वो विजय प्राप्त कर सकता है और फिजिकली बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। वहीं कार्यक्रम में राजयोग पर प्रकाश डालते हुए विद्वानों ने कहा कि यदि राजयोग मनुष्य के जीवन का अंग बन जाए तो उनके जीवन से हार जीत मान अपमान का भाव निकल जाएगा। जैसे हार भी बहुत होता है, जीत भी बहुत होता है। जैसे खिलाड़ी भी लाइफ में हार और जीत तो देखा है, ऐसे इधर भी बहुत हार और जीत होता है। इसमें समचिता कैसे रखना, स्थित प्रज्ञ अवस्था कैसे रखना, ये सीखने के लिए हम लोगों को इधर बहुत बेस्ट चांस है। भगवान ईश्वर जी ने हम लोगों को सिखाया है। परिस्थितियाँ आती हैं, संघर्ष होता है, विघ्न आते हैं, लेकिन इस जीवन रूपी खेल में हम किसको कहेंगे जो जीतता है, जो हर परिस्थिति को खुशी खुशी से पार कर लेता है। इस अवसर पर अतिथियों को ईश्वरीय उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में 3 दिनों तक खेल क्षेत्र में आने वाली समस्याओं तथा उसके समाधान पर गहराई से चर्चा की गई।
राजस्थान के श्रीगंगानगर सेवा केंद्र पर मदर्स डे के उपलक्ष में संस्कृति के संरक्षक मातृशक्ति विषय पर महिलाओं के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में टेलीटॉय स्कूल की प्राचार्य अनुपमा आहूजा, रोटरी क्लब की अध्यक्षा मधु ग्रोवर, GINT क्लब की अध्यक्षा रंजना सेतिया, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मोहिनी, बीके विजय समेत कई लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में प्रतिष्ठित महिलाओं ने कहा कि महिलाएं समाज की धुरी हैं, इसलिए महिलाओं का सशक्त होना जरूरी है। महिलाएं चाहे तो वह परिवार के साथ साथ समाज को भी बदल सकती हैं, परंतु इसके लिए जीवन में आध्यात्मिक शक्ति को अपनाना होगा। सृष्टि को बनाने वाली माँ है और उस बात को सार्थक करें, और सभी दिन मातृ दिवस है और त्याग की मूर्ति है। सहना और देना दो अलग अलग चीजें हैं। इस चीजों में डिफरेंस रखें हमेशा कि अन्याय सहना और त्याग करना दो अलग बातें हैं। त्याग की प्रतिमूर्ति है माँ। माताओं को इस बात की बहुत जरूरत है कि हम लड़कियों को बहुत समझाते हैं और लड़कों को यूं ही छोड़ देते हैं, उनको एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज दे देते हैं, ये समझते हैं इनका नहीं कि इनका क्या है। इस अवसर पर अतिथियों ने महिलाओं से आह्वान किया कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने पूरी दुनिया में महिला के गौरव को बढ़ाया और सम्मान दिया है। महिलाएं ऐसे संस्थानों से जुड़कर अपने आप को मजबूत बनाएं। पहले शब्द भगवान के लिए भी जब हमने बोला तो पहला शब्द क्या आया? तुम मां। तो भगवान को भी हमने पहले मां का दर्जा दिया। तो माँ ही ब्रह्मा है, माँ ही विष्णु है, और माँ ही हमारी विकृतियों को, हमारी बुराइयों को, हमारी कमियों को, कमजोरियों को दूर करने वाली शंकर समान त्रिनेत्री। कोलकाता के बंकिम चंद चटर्जी स्ट्रीट में बुद्ध के 2559वें जयंती के अवसर पर महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी, विशिष्ट अतिथि के रूप में रामकृष्ण मिशन के सचिव स्वामी परमात्मानंद महाराज, पूर्व मुख्य न्यायाधीश चित्तौस मुखर्जी, इमाम जुमा जमात के मौलाना सईद अथर अब्बास, ब्रह्मा कुमारी आशुतोष मुखर्जी रोड सेवा केंद्र की प्रभारी बीके कानन समेत सर्व धर्मों के लोगों को आमंत्रित किया गया। To come here today in the celebration of the 2559th Buddha Jayanti of Shakyamuni Buddha. It is more so because it is here at Shri Dharmarajika Chaitiya Vihar, the corporal relic of Gautam Buddha is enshrined. I feel honored and greatly humbled to be present here today. आज पूरी दुनिया जंग कर रही है, हर तरफ लड़ाई लगी हुई है। वजह क्या है कि हमने धर्म को अपने घरों में रखा है, समाज में अलग जी रहे हैं। जिस दिन धर्म और समाज एक हो जाएगा, पूरी पृथ्वी से जंग खत्म हो जाएगी। सभा में उपस्थित धर्मावलंबियों को संबोधित करते हुए बीके कानन ने कहा कि भारत एक महान देश है, यहाँ की संस्कृति हर किसी को एकता के सूत्र में पिरोती है। यहाँ ही लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। परमात्मा पुनः नई दुनिया की स्थापना का महान कार्य कर रहे हैं। आप सब जानते हैं भारत की एक ऐसा धर्म प्रधान देश है जहाँ पर समय समय पर अनेक धर्म स्थापकों ने आकर जब जब धर्म की ग्लानि हुई अपने धर्म उपदेश देकर इस सृष्टि को सुख शांति और संपन्न बनाने का उपदेश दिया। मुंबई थाने के सारंग धाम संस्था की ओर से समर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इसमें अलग अलग संस्थाओं की ओर से स्टॉल लगाए गए, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्थान को भी आमंत्रित किया गया। इस फेस्टिवल में ब्रह्मा कुमारी ने आत्मा परमात्मा, आने वाली नई सतयुगी दुनिया, सृष्टि चक्र आदि को स्टॉल के माध्यम से दर्शाया, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस
सुंदर स्टॉल का महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे, मराठी सिने एक्टर शरद पोक्से समेत कई फिल्मी अभिनेताओं तथा विशिष्ट व्यक्तियों ने अवलोकन किया। इस अवसर पर साई संस्था के अध्यक्ष एवं पूर्व महापौर अशोक सेती को सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरला तथा बीके लतिका ने ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया। इस स्टॉल को बड़ी संख्या में देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। अलकापुरी बड़ौदा सेवा केंद्र का 21वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सेवा केंद्र द्वारा पिछले 21 वर्षों में हुई सेवाओं की वीडियो द्वारा एक झलक दिखाकर लोगों को अवगत कराया गया। सेवाओं में मुख्य रूप से ब्लड डोनेशन, जेल सेवा, तनाव प्रबंधन, इंडस्ट्रीज तथा व्यापार से संबंधित लोगों के लिए कार्यक्रम, प्रवचन मेला तथा द फ्यूचर ऑफ पावर महाअभियान समेत कई कार्यक्रमों की झलकियां दिखाई गई। इसके साथ ही सेवा केंद्र पर आयोजित समारोह का सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर निरंजना, राजयोग शिक्षिका बीके डिंपल समेत कई बीके बहनों ने केक काटकर खुशियां मनाई तथा एक दूसरे को बधाई दी। कार्यक्रम में बीके डॉक्टर निरंजना ने कहा कि इस सेवा केंद्र के भाई बहनों के सहयोग से हजारों लाखों लोगों को ईश्वरीय संदेश मिला है, जिससे जीवन में सुख शांति का प्रयास कर रहे हैं। वार्षिकोत्सव के दौरान नन्हे बाल तथा स्थानीय कलाकारों ने नृत्य नाटिका, गीत, पपेट शो, गरबा डांस की प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र के सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। ऐसे ही गुजरात के केशोद सेवा केंद्र के मालिया हटीना सेवा केंद्र की 24वीं सालगिरह मनाई गई। इस कार्यक्रम का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक महेंद्र भाई, केशोद सेवा केंद्र प्रभारी बीके रूपा, राजयोग शिक्षिका बीके मीता तथा बीके गीता ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में अतिथियों ने कहा कि इस सेवा केंद्र पर ज्ञान धन मिलता है, जिसकी हर किसी को जरूरत है। यह ज्ञान धन देने का कार्य केवल ब्रह्मा कुमारी संस्थान कर रही है, इसलिए लोगों को संस्था से जुड़कर खुद को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना चाहिए। दुर्गापुर सेवा केंद्र द्वारा रोटरी क्लब के अधिकारियों एवं सदस्यों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। घर गृहस्थ में रहते जीवन को कमल पुष्प समान कैसे बनाएं विषय पर विस्तार से चर्चा करते हुए दिल्ली लोधी रोड सेवा केंद्र के तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष ने कहा कि जीवन में ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग द्वारा श्रेष्ठ जीवन बना सकते हैं। इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रमीला ने भी अपने विचार व्यक्त किए। Health organization says the holistic health means the physical fitness, the spiritual fitness, the social fitness and also the mental fitness. कर्नाटक के कारवार सेवा केंद्र द्वारा पुलिस मुख्यालय में पुलिस निरीक्षकों तथा उप निरीक्षकों के लिए तनाव मुक्त और सकारात्मक सोच विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में संस्था के सुरक्षा प्रभाग के अध्यक्ष बीके अशोक गाबा, सिरसी सेवा केंद्र प्रभारी बीके वीना ने सकारात्मक सोच के जरिए तनावों पर नियंत्रण के उपाय बताए। साथ ही पुलिस अधिकारियों को कार्यस्थल पर होने वाले तनावों के दौरान खुद को मैनेज करने पर बल दिया। ऐसे ही पुलिस अधीक्षकों तथा उपाधीक्षकों समेत कई ट्रेनी पुलिस अफसरों के लिए भी सकारात्मक सोच विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें बीके अशोक गावत, सिरसी सेवा केंद्र प्रभारी बीके वीणा तथा कारवार सेवा केंद्र की बीके विमला ने मौजूदा समय में चुनौतियों से निपटने के लिए सकारात्मक सोच बढ़ाने की सलाह दी। उत्तर प्रदेश बादशाहपुर के मोगरा सेवा केंद्र पर गीतों में गीता के ज्ञान विषय पर 3 दिवसीय संगीत संध्या के साथ राजयोग प्रवचन माला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक विनोद सिंह, इलाहाबाद क्षेत्र की प्रभारी बीके मनोरमा, मुख्य स्पीकर बीके अविनाश तथा सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनीता की उपस्थिति में संपन्न हुआ। मैं भी धर्म से संबंधित हूँ, मैं साईं का पुजारी हूँ, लेकिन मैंने देखा कल का जो कार्यक्रम था, जिसमें साईं, भगवान राम,
बुद्ध सबका सोच और सबकी थियरी एक है, जिसको इन्होंने कल सिद्ध कर दिया। कार्यक्रम के दौरान बीके अविनाश ने गीतों के जरिए गीता के ज्ञान को लोगों के व्यवहारिक जीवन से जोड़ते हुए श्रेष्ठ जीवन के लिए प्रेरित किया। साथ ही गीत एवं संगीत को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम बताते हुए श्रेष्ठ कार्य करने की अपील की। एक बात याद करिए कि अगर आप भूत की कोई चर्चा नहीं करते, बीते हुए कल की कोई चर्चा नहीं करते, तो आपस में बातचीत करने के लिए कोई मुद्दा नहीं रह जाए। इस अवसर पर राजयोग ध्यान तथा पांच तत्वों से बने शरीर और आत्मा के भेद को स्पष्ट किया गया। कार्यक्रम में बच्चों के साथ स्थानीय कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुतियों से लोगों का खूब मनोरंजन कराया। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के नगवाई गांव में गीता पाठशाला का शुभारंभ किया गया। इस पाठशाला के उद्घाटन अवसर पर पूर्व ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर, कुल्लू सेवा केंद्र प्रभारी बीके किरण तथा बीके कृष्णा ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में आए मेहमानों का भावपूर्ण स्वागत किया गया। इस अवसर पर आए विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि यह संस्था समाज में महान परिवर्तन का कार्य कर रही है, जिसमें हर एक मनुष्य अपना स्वभाव बदलकर शांत और सुखी हो जाता है। इसलिए संस्था द्वारा दिए जा रहे ज्ञान को जीवन में जरूर उतारने का प्रयास करना चाहिए। पुलिस ट्रेनिंग महाविद्यालय डरो पालमपुर में तनाव मुक्ति एवं सकारात्मक चिंतन विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक राजेश वर्मा, डीएसपी प्रवीण धीमान, माउंट आबू से बीके भगवान, सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेम ने कार्य क्षेत्र पर आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए नैतिक मूल्यों को बढ़ाने पर जोर दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिला पुलिस मौजूद थी। इस दौरान राजयोग ध्यान के साथ आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में भी जानकारी दी गई। मुंबई के उल्लासनगर सेवा केंद्र में सृष्टि चक्र की गति विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में विले पार्ले के बीके प्रकाश तलहटी ने सृष्टि चक्र के ज्ञान से अवगत कराते हुए समय की समीपता का वैज्ञानिक तौर पर स्पष्टीकरण दिया। दिल्ली के लोदी रोड सेवा केंद्र द्वारा नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेट के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए राजयोग द्वारा आंतरिक शक्तियों के विकास एवं तनाव मुक्त जीवन शैली विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बी के पीयूष ने तनाव के कारक, नुकसान एवं उससे बचने के उपायों के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए राजयोग सीखने की सलाह दी। व्यक्ति कोई भी बुरा नहीं है, मेरा नजरिया उसको बुरा बना देता है। कई लोग कहते हैं हालात नहीं बदलते, बल्कि ख्यालात को तो बदलिए। हालात पर मेरा जोर नहीं है, लेकिन ख्यालात किसके हैं? कार्यक्रम में लोधी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बी के गिरिजा, मानव संसाधन विकास के निदेशक हेमराज, पीएमसी के कार्यकारी निदेशक पी के सेठ ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए तथा मेडिटेशन सीखने की प्रेरणा दी। बिहार के समस्तीपुर सेवा केंद्र पर संस्था की प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी का शताब्दी समारोह मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर सबजोन प्रभारी बीके रानी, समस्तीपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके अरुणा, बेतिया प्रभारी बीके अंजना, मोतिहारी प्रभारी बीके मीना, सीतामढ़ी प्रभारी बीके वंदना समेत बड़ी संख्या में सेवा केंद्रों की बहनों के साथ सदस्य उपस्थित हुए। बीके रानी ने कहा कि दादी जी ने पूरे दुनिया में मानवता का जो बीज बोया है, हमें भी उनके संकल्पों का पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। अब कुछ खबरें बच्चों के लिए आयोजित समर कैंप की। हैदराबाद शांति सरोवर में नन्हे बच्चों के लिए पांचवा बाल व्यक्तित्व विकास शिविर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मोटिवेशनल गुरु वेणु भगवान, हास्य अभिनेता राकेश, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शक्ति, पूर्व क्रिकेटर रवि, बाल शिविर की संयोजिका बीके सुमन लता समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया।
कार्यक्रम में मोटिवेशनल स्पीकर वेणु भगवान ने बौद्धिक क्षमता को विकसित करने के लिए बच्चों को कई टिप्स बताए। साथ ही बीके बहनों ने जीवन में श्रेष्ठता के लिए नैतिक मूल्यों को अपनाने की सलाह दी। इस कार्यक्रम के दौरान बंजारा हिल्स सेवा केंद्र की बीके शिवानी ने बच्चों को फलों एवं सब्जियों के कलाकृतियों द्वारा जीवन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने की प्रेरणा दी। साथ ही पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा के लिए भी प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चे उपस्थित हुए। ऐसे ही भिलाई सेवा केंद्र पर बच्चों के लिए समर कैंप उत्कर्ष का आयोजन किया गया। इस कैंप का उद्घाटन भिलाई स्टील प्लांट के महाप्रबंधक आलोक दीक्षित, नीको जायसवाल के अध्यक्ष संग्राम स्वेन, भिलाई सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा, राजयोग शिक्षिका बीके प्राची समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में बच्चों को प्रेरणा देते हुए बीके आशा ने कहा कि जीवन में स्वच्छता, श्रेष्ठ संस्कार और बड़ों का सम्मान करना प्राथमिकता होनी चाहिए। अन्य अतिथियों ने कहा कि बच्चे ही देश के भविष्य हैं, इसलिए जीवन में भौतिक पढ़ाई के साथ संस्कारों की पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर बीके स्नेहा, बीके तारिका ने बच्चों को विभिन्न गतिविधियों के द्वारा प्रतिस्पर्धाएं कराई। इस अवसर पर सड़क सुरक्षा तथा नकारात्मक वृत्तियों का वस्तुओं पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में भी बताया गया। इसमें सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में पूरी जानकारी भी दी गई। कोटा में ग्रीष्म अवकाश में बच्चों के लिए ग्रीष्मकालीन बाल व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया। ब्रह्मकुमारी संस्थान के शक्ति सरोवर कुन्हाड़ी सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन सत्य प्रकाश सुवाल का पलायथा हाउस सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिला ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में बीके उर्मिला ने बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि बड़ों का आदर करना, सत्य बोलना और ईमानदारी पर चलने से मनुष्य महान बनता है, इसलिए बच्चों को महान बनने के लिए जीवन में इन गुणों को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। शिविर के दौरान बच्चों के लिए कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई। इस अवसर पर बीके बहनों ने बच्चों को प्रेरणाप्रद बातों से अवगत कराया। ऐसे ही 4 दिवसीय प्रवचन माला का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीके उर्मिला समेत कई लोगों ने दीप जलाकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान बीके उर्मिला ने लोगों से आह्वान किया कि सभी समस्याओं के समाधान के लिए राजयोग ध्यान एवं ईश्वरीय ज्ञान को जीवन में धारण करें। बेंगलोर के इलेक्ट्रॉनिक सिटी सेवा केंद्र द्वारा बच्चों के जीवन बचाएं विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भाग लेने सैकड़ों बच्चों ने अपने हाथों में स्लोगन पर बच्चों के जीवन को बचाने के संदेश के साथ प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में सेवा केंद्र की बीके मीरा ने बच्चों को जीवन बचाने के लिए आध्यात्मिक शक्ति अपनाने की सलाह दी। छत्तीसगढ़ बिलासपुर के टिकरापारा सेवा केंद्र द्वारा बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने बच्चों के लिए आयोजित इस कैंप का शुभारंभ करते हुए कहा कि बच्चों को टीवी, मोबाइल तथा ऐसी वस्तुओं से हमेशा दूर रहना चाहिए जिससे उन्हें नैतिक स्तर पर हानि पहुंचाते हैं। यदि हम दृढ़ संकल्प कर ले तो हम स्वामी विवेकानंद बन जाएंगे, अब्दुल कलाम बन जाएंगे, महारानी लक्ष्मीबाई बन जाएंगे, शिवाजी बन जाएंगे, कल्पना चावला बन जाएंगे, ठीक है। और अगर हम सोचे मैं तो बुद्धू हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मम्मी भी बोलती है तुम बुद्धू हो तो लो बुद्धू ही बन के दिखा दो, नहीं ऐसे कभी नहीं कर। इस दौरान बच्चों के लिए बौद्धिक विकास के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बच्चों ने अपनी क्षमताओं का बेहतरीन प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश मंडी के उजाला पब्लिक हाई स्कूल द्वारा बच्चों के लिए सड़क सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्कूल प्रशासन द्वारा विश्व सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में मंडी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला तथा बीके यमुना को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम के दौरान बीके शीला ने कहा कि बच्चों को अपनी सुरक्षा के साथ दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। इस दौरान स्कूल की प्राचार्य निशा शर्मा ने भी बच्चों को सलाह दी कि वे जीवन रूपी यात्रा तथा सड़क सुरक्षा के लिहाज से हमेशा ही सचेत रहें तथा नियमों का पालन करें। पुणे के धनुकड़वारी सेवा केंद्र पर भी बच्चों के लिए व्यक्तित्व विकास पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
कार्यक्रम में अगासे क्लासेस के संस्थापक प्रोफेसर अगासे, धनुगढ़वारी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुलभा, राजयोग शिक्षिका बीके डॉक्टर आरती तथा बीके स्वप्निल की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान खेल खेल में योग, मेमोरी ऑब्जर्वेशन, प्रॉपर लिसनिंग गेम्स के साथ भाषण प्रतियोगिता आदि भी आयोजित की गई, जिसमें बच्चों ने अपने हुनर का जलवा दिखाते हुए सुंदर कलाकृतियां बनाई। विजेता बच्चों को पुरस्कार भेंट कर सम्मानित भी किया गया। गुजरात सिलवासा के दादर नगर हवेली सेवा केंद्र पर भी नन्हे बच्चों के लिए बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में शिक्षा अधिकारी पीवी शुक्ला, वलसाड सब जोन प्रभारी बीके रंजन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुरेखा समेत कई वरिष्ठ बहनों ने भाग लिया। खेलकूद के दौरान बच्चों को भौतिक के साथ आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी प्रेरणा दी गई, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता निभाई तथा जीवन में श्रेष्ठ संस्कार धारण करने का संकल्प लिया। ऐसे ही इंदौर के कलानी नगर सेवा केंद्र द्वारा भी बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती, राज्य शिक्षिका बीके सुजाता ने बच्चों के लिए कई प्रतियोगिताओं के जरिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया। प्रतियोगिता में विजेता बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। अब पीस न्यूज की विस्तृत जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन करें www.godlywoodstudio.org। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।